नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस YouTube चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों, मेरे एक व्यूअर ने जानना चाहा है कि मिल्क वैन को राजधानी तेज या वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों के साथ क्यों नहीं लगाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि मिल्क वैन को राजधानी तेजस या वंदे भारत ट्रेनों के साथ क्यों नहीं जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे में राजधानी, वंदे भारत एक्सप्रेस या तेजस जैसी जो ट्रेनें होती हैं, यह प्रीमियम क्लास की ट्रेनें होती हैं। प्रीमियम क्लास कहने का मतलब यह होता है कि यह एक प्रकार की सेमी हाई स्पीड ट्रेनें हैं जिनकी स्पीड 140 से 160 किलोमीटर पर आवर तक होती है। दोस्तों, यहाँ पर इन ट्रेनों को इतनी तेज रफ्तार में चलने के लिए इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि अगर इतनी रफ्तार में यह चलेंगी तो इनके कोच या फिर इनके व्हील्स या फिर इनके बोगी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इनकी डिजाइनिंग ही इस तरीके से की गई है। हालांकि जितनी भी ट्रेनें हैं उनकी स्पीड जो है उनके बोगी और व्हील्स के कंस्ट्रक्शन पर निर्भर करती है। तो ये जो ट्रेनें होती हैं यह LHB टाइप होती हैं। इनके बोगी का सस्पेंशन सिस्टम और इनके जो व्हील्स होते हैं या फिर इनके कोच की जो डिजाइनिंग है उनको इस लायक बनाया गया है कि वह 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को झेल सकती हैं। लेकिन दोस्तों, अगर बात करें हम मिल्क वैन की, तो मिल्क वैन की जो बोगी है वह ICF की बोगी यूज की गई है और ICF ट्रेन की जो मैक्सिमम स्पीड है वह 130 किलोमीटर पर आवर तक ही सीमित है। तो ऐसे में अगर मान लीजिए कि कोई ट्रेन 130 किलोमीटर पर आवर तक चल रही है और कोई ट्रेन 150 से 160 किलोमीटर पर आवर तक चल रही है, ऐसे में अगर उन दोनों को एक साथ जोड़कर चलाया जाए तो एक ट्रेन तो अच्छे से चलेगी और जो 130 वाली है उसके सारे पहिए, उसके बोगी, सारी चीजें उखड़कर बाहर निकल जाएंगी। तो इस तरीके से इन दोनों को एक साथ जोड़कर नहीं चलाया जा सकता है। अगर चलाया भी जाता है तो जो पहली वाली ट्रेन है जो 160 तक चल सकती है उसके स्पीड को कम करके चलाया जाएगा, यानी कि यहाँ पर इसके स्पीड में प्रतिबंध लगाया जाएगा जहां पर वह 130 से ऊपर, ताकि दोनों की स्पीड समान हो और कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, इसीलिए मिल्क वैन को तेजस या वंदे भारत या राजधानी जैसी ट्रेनों में नहीं यूज किया जाता है, क्योंकि उनके व्हील्स या फिर उनके जो सस्पेंशन सिस्टम है, उनकी बोगी की जो डिजाइनिंग है वह अलग है और मिल्क वैन के बोगी की डिजाइनिंग अलग है। तो इन दोनों चीजों के चलते उन्हें एक साथ जोड़कर नहीं चलाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आई होंगी। सो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।